नमस्कार, उत्तर प्रदेश की खबरों में आपका स्वागत है। मैं हूं आपके साथ अनुष्का सिंह। उत्तर प्रदेश के कई जिलों को कोरोना कर्फ्यू से मुक्त कर दिया गया है और जिले में कोरोना के मामले भी अब लगातार कम हो रहे हैं और इन्हीं सब वजहों से लोग लापरवाही भी करते दिखाई दे रहे हैं। प्रशासन द्वारा छूट के दिनों में साफ तौर पर लापरवाही देखी गई है और आज भी सड़कों पर सामान्य दिनों की तरह ही आवागमन हो रहा है, जिससे साफ होता है कि जनता को अभी भी जागरूक होने की जरूरत है। इसलिए लोगों को कोरोना नियमों के पालन करने की अपील लगातार की जा रही है। सरकार ने अभी हाल ही में 1 जून को आगरा को कोरोना के लॉकडाउन से मुक्त कर दिया था, क्योंकि आगरा में 600 कोरोना संक्रमित आंकड़े से हमारा आगरा नीचे था। लेकिन हम बात करें कोरोना काल में एक जून के बाद में जो आंकड़े लगातार कोरोना संक्रमित मरीजों के जो आए थे, वो लगातार एक से लेकर बीती जो शुक्रवार तक का समय है उसमें लगातार आंकड़ों में बढ़ोतरी देखी गई थी। आपको बता दें कि जिस तरीके से लगातार आंकड़ों में बढ़ोतरी हुई थी और जो सरकार द्वारा जो छूट का प्रावधान रखा गया था कि सुबह से लेकर शाम के 7 बजे तक नॉर्मल स्थिति रहेगी, आदमी का आवागमन रहेगा, बाजारें खुलेंगे और शाम को 7 बजे से लेकर सुबह तक जो उसका कर्फ्यू है, रात्रि कर्फ्यू, वो लगा रहेगा और वीकली जो लॉकडाउन है, वीकेंड लॉक जो लॉकडाउन है शनिवार और इतवार का, वो उसमें भी कोई कोताही नहीं रखी गई थी। तो वहीं हम बात करें अपने बढ़ते हुए आंकड़ों की, तो उसका सबसे बड़ा कारण यही है कि सोमवार से लेकर शुक्रवार तक के जो आंकड़े आए थे वो लगातार बढ़ोतरी के आए थे। और बात करें हम आज के आंकड़े की, तो कल जो वीकेंड लॉकडाउन जो जिसमें लगाया गया था उसके बाद के आज जो आंकड़े आए हैं वो अन्य दिनों के आंकड़ों से काफ़ी कम हैं। इससे साफ जाहिर है तो कहीं ना कहीं जनता और प्रशासनिक अधिकारी कोरोना के मामले में लापरवाही कर रहे हैं, जिस कारण लगातार कोरोना के आंकड़े आम दिनों में ज़्यादा आते हैं और वीकेंड लॉकडाउन में कम देखने को मिले हैं। अगर यही स्थिति रही और जनता अभी अगर नहीं संभली तो आगे फिर से वही स्थिति सामने आ जाएगी, जिसमें पूर्व में पहले भी संपूर्ण भारत में लॉकडाउन लगाया गया था। आगरा से अमित शर्मा। अलीगढ़ जहरीली शराब कांड मामले में फरार चल रहा 1 लाख का शातिर इनामी अपराधी ऋषि शर्मा को देर रात अलीगढ़ पुलिस की 6 टीमों ने SSP के आदेश के बाद इनाम की धनराशि बढ़ाए जाने के 24 घंटे के भीतर गिरफ्तार कर लिया। पुलिस की 6 टीमें 6 राज्यों में पिछले 9 दिन से शातिर माफिया अपराधी की तलाश की जा रही थी, जिसके बाद मुखबिर की सूचना पर बुलंदशहर में चौकिंग के दौरान उसे गिरफ्तार कर लिया गया। यूपी के अलीगढ़ में जहरीली शराब कांड को लेकर SSP कलानिधि नेथानी ने बताया था कि जहरीली शराब कांड का मुख्य तस्कर ऋषि शर्मा पर 50,000 से बढ़ाकर 1 लाख का इनाम घोषित किया जा चुका था। ADG जोन ने इनाम बढ़ाने की घोषणा की थी। SSP ने बताया कि ऋषि को गिरफ्तार करने के लिए कई राज्यों में पुलिस ने दबिश भी दी थी, जिसके बाद आज पुलिस को बड़ी सफलता हासिल हुई। जनपद अलीगढ़ में शराब से हुई घटना के संबंध में यह अवगत करा दें कि एक बड़ी सफलता अलीगढ़ पुलिस को मिली है, जिसमें 1 लाख के इनामी अपराधी ऋषि शर्मा को पुलिस द्वारा बुलंदशहर बॉर्डर के समीप से गिरफ्तार कर लिया गया है। यह भी विदित हो कि इसमें 50,000 के इनामी विपिन यादव को पूर्व में गिरफ्तार किया जा चुका है। इसके अलावा ऋषि शर्मा के भाई मुनीश शर्मा जो 25,000 का इनामिया था उसको, एवं अनिल चौधरी का साला जो नीरज चौधरी था जो भी 25,000 का इनामी था उसको। सीतापुर में सदर इलाके में बहुजन समाजवादी पार्टी के नेताओं गरीबों और जरूरतमंद लोगों की मदद कर रहे हैं। प्रभारी सैयद असगर अली ने गरीबों को राशन बांटा। सैयद असगर अली का कहना है कि कोरोना काल से लेकर अब तक वो जरूरतमंद लोगों की मदद कर रहे हैं और हर एक गरीब तक राशन पहुंचाने का काम उनकी टीम कर रही है। इसी के साथ उन्होंने महामारी को लेकर सरकार पर भी निशाना साधा। पिछले कुछ दिनों में प्रदेश में लगातार बीजेपी के दल में बैठक चल रही थी और लगातार बीजेपी के दिग्गज नेता बैठक में शामिल हो रहे थे और अब योगी मंत्रिमंडल विस्तार की अटकलों के बीच बीजेपी के राष्ट्रीय उपाध्यक्ष व प्रदेश प्रभारी राधामोहन सिंह ने विधानसभा अध्यक्ष हृदय नारायण दीक्षित से मुलाकात की। राधामोहन सिंह मुलाकात खत्म करने के बाद विधानसभा अध्यक्ष मीडिया से भी रूबरू हुए। माननीय राधा मोहन जी बहुत पुराने हमारे मित्र हैं, एक बात, और
लंबे समय तक संगठन मंत्री और भिन्न भिन्न दायित्वों पर रहे हैं। उत्तर प्रदेश के प्रभारी हैं इस समय संप्रति। उनके मन में आया कि दीक्षित जी से भी भेंट की जाए, काफ़ी दिन से भेंट नहीं थी। फोन आया, मुझे अच्छा लगा, हम लोग बैठे। ज़्यादातर चर्चा साहित्य और प्राचीन। अलीगढ़ में मुस्लिम यूनिवर्सिटी के कोऑर्डिनेशन कमेटी के छात्रों ने कोरोना महामारी के दौरान ऑक्सीजन बांटकर कई लोगों की जान बचाई है। आपको बता दें कि छात्रों ने इस दौरान अपने सहयोग से लोगों को मुफ्त ऑक्सीजन उपलब्ध कराए और देश के लिए मिसाल पेश की। औरैया के अरवा कटरा थाना क्षेत्र में एक 10 साल के मासूम बच्चे को तेज रफ्तार कार ने टक्कर मार दी। इस घटना के दौरान बच्चे की मौके पर ही मौत हो गई। सूचना मिलते ही पुलिस की टीम मौके पर पहुंची। चौकी प्रभारी और उनकी टीम ने कार चालक को पकड़ लिया है। इस बीच बच्चे के परिजन भी मौके पर पहुंच गए और उन्होंने हंगामा शुरू कर दिया। यहां पुलिस ने परिवार वालों को समझा बुझा कर शांत करवा दिया और शव को पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया गया है। औरैया के थाना अरवा कटरा में बड़ी संख्या में खेतों में राष्ट्रीय पक्षी मोर मृत मिले। इस घटना की जानकारी फौरन ग्रामीणों ने पुलिस को दी। पुलिस के साथ वन विभाग को भी मामले की सूचना दी गई। इसके बाद वन विभाग की टीम मौके पर पहुंची। वन विभाग ने मृत शवों को जांच के लिए भेज दिया है। ग्रामीणों का कहना है कि ये काम शिकारियों का है और उन्ही लोगों ने उन्हें जहर देकर इन्हें मारा है। वही वन विभाग अधिकारियों ने कहा कि पोस्टमार्टम रिपोर्ट आने के बाद ही मृत्यु का कारण साफ तौर पर पता चल सकेगा। मुझे तो ऐसा ही लग रहा है, इसे इनको खाने पीने की कुछ सुविधा या असुविधा हुई यहाँ पे, इसी कारण बस लग रहा है। क्योंकि इनके सर से जैसा झाग आ रहा है, मुख से सही प्रतीत हो रहा है कि पानी वानी इनको नहीं मिला है, इसी कारण ये। अब आगे तो फिर रिपोर्ट इसकी आएगी, पीएम रिपोर्ट। आजमगढ़ के जिलाधिकारी राजेश कुमार के निर्देश पर बाढ़ संबंधित काम को सही तरीके से चलाने के लिए कक्ष स्थापित किया गया है। आजमगढ़ में 1 जून 2021 से 31 अक्टूबर 2021 तक के लिए बाढ़ नियंत्रण कक्ष स्थापित किया गया है। अधिशासी अभियंता बाढ़ खंड ने बताया कि बाढ़ नियंत्रण कक्ष 24 घंटे नियमित रूप से कार्यरत रहेगा और विभाग की ओर से हेल्पलाइन नंबर भी जारी किया गया है। आगे उन्होंने बताया कि कक्ष के संचालन हेतु कई ग्रुप बनाए गए हैं और इस ग्रुप में वरिष्ठ अधिकारियों को शामिल किया गया है। उन्होंने बताया कि बाढ़ कक्ष में पदस्थापित कर्मचारी अनिवार्य रूप से पाली ग्रुप के अनुसार अपने कर्तव्यों का पालन निर्धारित समयानुसार करेंगे। प्रदेश में अपराधियों के खिलाफ अभियान चलाया जा रहा है। इस अभियान के तहत पुलिस एक्शन ले रही है। पुलिस ने कुख्यात आपराधिक माफिया की पत्नी पर धोखाधड़ी और जालसाजी मामले में फरार होने के चलते 50,000 का इनाम घोषित किया है। इसी के साथ एक शातिर अपराधी के खिलाफ भी इनाम घोषित किया गया है। इन दोनों अपराधियों के साथ टॉप 10 लिस्ट में शामिल शातिरों को पकड़ने के लिए भी काम किया जा रहा है। आजमगढ़ में देश में कोरोना की दूसरी लहर के दौरान भारी पैमाने पर ऑक्सीजन की कमी देखने को मिली थी। ऑक्सीजन की कमी के कारण आजमगढ़ में भी कई मरीजों की मौत हो गई थी। इस समस्या को देखते हुए सभी सरकारी हॉस्पिटल में ऑक्सीजन प्लांट लगाने के निर्णय लिए गए हैं, जिसके तहत राजकीय मेडिकल कॉलेज और मंडलीय अस्पताल सहित 5 अन्य सरकारी अस्पतालों में ऑक्सीजन प्लांट लगाए जा रहे हैं। मंडलीय अस्पताल के प्रमुख चिकित्सा अधीक्षक डॉक्टर अनूप कुमार सिंह ने बताया कि अस्पताल में लग रहे ऑक्सीजन प्लांट का 70% काम पूरा हो चुका है और 15 से 20 जून के बीच ऑक्सीजन प्लांट शुरू हो जाएगा। योगी जी की योजना के अनुसार इस आजमगढ़ जनपद में 7 ऑक्सीजन के प्लांट लगाए जा रहे हैं, जो मेडिकल कॉलेज में, हमारे जिला अस्पताल में तथा 5 सीएमओ के अंतर अधीन आने वाले अस्पतालों में लगाए जा रहे हैं। इनका निर्माण कार्य प्रारंभ हो चुका है और उम्मीद है कि 15 से 20 दिन के अंदर ये प्लांट्स। कोरोना महामारी और जिला न्यायालयों में के संचालन को लेकर आजमगढ़ के मुख्य प्रशासनिक अधिकारी ने बयान दिया है। मुख्य प्रशासनिक अधिकारी के जारी किए गए गाइडलाइन के अनुसार काम किया जा रहा है और जारी दिशा निर्देशों के अनुपालन में मात्र 2 सेशन न्यायालय, 2 मजिस्ट्रेट न्यायालय, अवर खंड स्तर का 1 न्यायालय ही वर्चुअल माध्यम से संचालित होंगे। न्यायालयों द्वारा पारित समस्त आदेश
सीआईएस सॉफ्टवेयर पर अपलोड किया जाएगा और न्यायालय कर्मियों की कुल संख्या का मात्र 30% रोटेशन के आधार पर उपस्थिति होगी। बुलंदशहर के छतारी थाना क्षेत्र के मोहम्मदपुर गांव में पशु किलर गैंग का खुलासा हुआ है, जिसमें पशु किलर गैंग का एक सदस्य पशुओं को मारने वाले जहर के साथ पकड़ा गया है। आपको बता दें कि यह गैंग जहर देकर पशुओं को मारता था और दफनाने के बाद मृत पशुओं को जमीन से निकालकर उसकी चमड़ी और हड्डी की तस्करी किया करता था। वहीं स्थानीय पुलिस तस्कर को कस्टडी में लेते हुए मामले की जांच कर रही है। बुलंदशहर के थाना शाना में एक विवाहिता को दहेज के लिए प्रताड़ित किया जा रहा है और लगातार ससुराल वाले उसके साथ मारपीट कर रहे हैं। इतना ही नहीं, दहेज का विरोध करने पर युवती के साथ मारपीट कर उसके ऊपर मिट्टी का तेल छिड़क कर आग लगा दी गई। चीखने चिल्लाने की आवाज पर पड़ोस के कुछ लोगों ने मौके पर पहुंचकर आग को बुझाने का प्रयास किया। वहीं पीड़ित पिता जब इलाज के लिए विवाहिता को लेकर अस्पताल पहुंचे तो अस्पताल में भी ससुराल वालों की तरफ से दबाव बनाया गया कि पुलिस में शिकायत न की जाए। अब पीड़िता के पिता ने इंसाफ के लिए एसएसपी के दर पर न्याय की गुहार लगाई है। प्रतापगढ़ में दबंगों की दबंगई से परेशान होकर पूरा परिवार न्याय के लिए काफी समय से दर दर भटक रहा है। जानकारी मिली कि पीड़ितों की जमीन पर दबंगों ने कब्जा कर रखा है और परिवार की महिलाओं के साथ दबंगों ने छेड़खानी भी की है। जमीन छिन जाने के बाद पीड़ित परिवार एक साल से खुले आसमान के नीचे रहने को मजबूर है। पीड़ितों ने बताया कि पड़ोसी के यहाँ 3 सदस्य पुलिस विभाग में है, जिसका रसूख दिखाकर उन लोगों को डराया धमकाया जा रहा है। अब पीड़ित परिवार ने जान माल की रक्षा के लिए एसपी से गुहार लगाई है। जमीन की विवाद चल रही थी 16 जून 2020 तो हमारी नाली तोड़ने लगे हमारे दरवाजे के सामने, तो हमारी सासू माँ आई, उसको मना करने लगी तो उनको 4 लोग मिलकर पीटने लगे। तब जब वो बचा पाई अपने को तो अंदर घुस आई घर में, तो घर में घुस आए तो वो लोग पीछे से घर में आ गए। घर के सामने बागवान मेरी बनी थी, ओगर गई कोर्ट से, हम आदेश भी करवाएं DM SDM सब से, ये लोग भूभाविया किस्म के लोग हैं, 20-25 बीघा जमीन कब्जा की हो, हमारी भी जमीनें कब्जा करना चाहते हैं। इनके खिलाफ रेप रिपोर्ट लगा चुका, लेकिन कोई कार्रवाई इनके खिलाफ ना यहाँ से होती है थाने से। इनके घर के 3 लोग पुलिस विभाग में हैं, जो कि हमेशा यही कहते हैं, कहीं भी दरखास्त दोगे थाने आएगी, हम देख लेंगे इसको कोई कार्रवाई। रामपुर के बिलासपुर रोड के पास से एक गाड़ी से कई कुंतल गौमांस बरामद हुआ और इस गाड़ी को हिंदू संगठनों ने पकड़ा और पुलिस पर आरोप लगाए कि इलाके में गौकृषि को करने वालों के हौसले बुलंद दिखाई दे रहे हैं और पुलिस इन लोगों को रोकने में नाकाम साबित हो रही है। इसलिए लोगों की मांग है कि गौ तस्करों के खिलाफ कड़ी कार्यवाही की जाए। ताजनगरी आगरा के थाना हरिपरवर क्षेत्र में नव विवाहिता की संदिग्ध परिस्थितियों में मौत हो गई। विवाहिता की मौत पर पीड़ित परिवारजनों ने ससुराल वालों पर हत्या करने का आरोप लगाया है। परिजनों का कहना है कि विवाहिता के साथ आए दिन मारपीट होती थी और दहेज की वजह से मारपीट की जा रही थी। सूचना के आधार पर पुलिस ने मृतक के शव को कब्जे में लेकर पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया है। साथ ही तहरीर पर मुकदमा दर्ज कर ससुराली जनों को हिरासत में लेकर पूछताछ की जा रही है। ये करीब एक महीने से लड़की को परेशान कर रहे हैं, आए दिन डेली परेशान करते हैं। तो लड़की मान लो हमें बताती तो हम भी आते थे बीच में। 3-4 दिन से लड़की की नंद और जो लड़का है वो ये बताते हैं कि PCS कर रहा है और कोचिंग भी करता है, क्या करता है। तो इसने लड़की कल मारी भी है, लड़की से कल बोला है कि मुझे दहेज में ये सामान खराब है, जे खराब है। खबर शाहजहांपुर से है, जहां संदिग्ध परिस्थितियों में एक युवक का शव पेड़ से लटकता हुआ मिला। वहीं परिजनों ने हत्या की आशंका जताई है। बता दें कि यह पूरा मामला थाना खोटार के गांव नरौठा हंस राम का है, जहां रिश्तेदारी में आया युवक का शव संदिग्ध अवस्था में गांव के से कुछ दूरी पर पेड़ से झूलता मिला। सूचना पर पहुंची पुलिस ने शव को कब्जे में लेकर पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया है। घटना की सूचना मिलते ही परिजनों का रो रो कर बुरा हाल है। मृतक के पिता धर्मेंद्र कुमार ने मृतक युवक के साडू और उसके सहयोगियों पर हत्या का आरोप लगाते हुए पुलिस को नामजद तहरीर दी। देश में लगातार पेट्रोल और डीजल की कीमतों में इजाफा हो रहा है। आगरा में भी पेट्रोल की कीमतों में 21 पैसे की बढ़ोतरी दर्ज की गई,
जिसके बाद ताजनगरी आगरा में पेट्रोल की कीमत लगभग 92 रुपए तक पहुंच गई है। लगातार पेट्रोल और डीजल की कीमतों में हो रही वृद्धि पर जनता और पेट्रोल पंप संचालकों को क्या क्या परेशानी हो रही है, ये जानने के लिए हमारी संवाददाता ममता भारद्वाज ने लोगों से बात की। देखिए, डीजल या पेट्रोल के जो दाम हैं, ये इंटरनेशनल मार्केट से रिलेटेड है। कोई भी ऐसा फैक्टर जिसकी वजह से इंटरनेशनल मार्केट में पैसा बढ़ता है, दाम बढ़ते हैं या दाम घटते हैं, उसका इम्पैक्ट हमारे देश में आना होता है, क्योंकि अपना जो कंजम्पशन है उसका करीब हम 85% बाहर विदेशी मार्केटों से लेते हैं। तो लिहाजा जो अच्छा भी डिस्टर्बेंसेज है आजकल, उसके हिसाब से जो इंटरनेशनल मार्केट में फ्लक्चुएशंस हैं उसके मुताबिक की दाम स्वाभाविक बढ़ने पड़ने। देश में लगातार बढ़ते हुए पेट्रोल और डीजल के दामों को लेकर आज इस बात की जानकारी के लिए हम यहाँ कुछ ग्राहकों के बीच, यहाँ एदमादपुर फ्लाइंग स्टेशन है, यहाँ हम आ चुके हैं और यहाँ को हमारे साथ कुछ ग्राहक मौजूद हैं। आइए हम इन ग्राहकों से बात करते हैं और जानते हैं कि जो पेट्रोल और डीजल की जो कीमतें हैं जो लगातार बढ़ती जा रही हैं, तो इनसे इन लोगों इन पर क्या फ़र्क पड़ता है, इन्हें किस तरह की परेशानियों का सामना करना पड़ रहा है, कैसा क्या फ़र्क पड़ रहा है इन पर? सर, क्या नाम है? सत्येंद्र यादव। सर, जिस तरह लगातार देश में पेट्रोल और डीजल के लगातार दामों में इजाफा हो रहा है, बढ़ रहे हैं, तो इस पर आपको क्या फ़र्क पड़ता है, आप क्या कहना चाहेंगे इस पर? इससे तो बहुत फ़र्क पड़ रहा है, ज़्यादातर ट्रांसपोर्टेशन इसी पर डिपेंड है ना, डीजल पेट्रोल पे, तो महंगाई भी बढ़ रही है इससे और काम धंधे भी बहुत कम हो गए हैं। जो पहले गाड़ियाँ चलती थीं वो अब उसकी अपेक्षा कम चल रही हैं और इंसान की जेब ज़्यादा खाली हो रही है। वैसे भी इंसान कोरोना का मारा धारा है और इसलिए बहुत ज़्यादा फ़र्क पड़ रहा है। जिस तरह आप ट्रांसपोर्ट से जुड़े हुए हैं, तो ट्रांसपोर्ट से जुड़े, इसमें आपके काम धंधे में कितना क्या कुछ कमी आई है, किस तरह की परेशानियों का सामना करना पड़ रहा है जब ट्रांसपोर्ट का काम आपका नहीं चल रहा, कम चल रहा है? बहुत कमी आई है पहले से, पहले बहुत गाड़ियाँ चलती थी, मेरे पास भी 8-9 गाड़ियाँ अपनी, तो जो पहले चलती थी सारी गाड़ियाँ चलती थी 6-7, अब तो दो तीन चल रही हैं बस। जो लोग पहले गाड़ी का यूज़ करते थे, अब महंगाई की वजह से वो बाइक पे आ गए हैं, कुछ लोग बाइक से भी नहीं जा रहे हैं, और पहले जो 2-3 बाइक पे जाते थे वो बंदे, जो 3 लोग अलग 2 बाइक पे जाते थे वो अब एक ही बाइक से काम चला रहे हैं, और जो लोग पहले 4 अगर 2-3 लोग कहीं जा रहे हैं गाड़ी लेके जाना चाहते थे तो वो चले जाते थे, अब महंगाई की वजह से अब वो बाइक से ही काम चला रहे हैं अपना। तो ये थे हमारे साथ एक पेट्रोल से ट्रांसपोर्ट से जुड़े हुए व्यक्ति, जो जिनका एक ट्रांसपोर्ट है, जिनकी गाड़ियां चलती हैं, उन्होंने हमें बताया कि जिस तरह से पहले लोग गाड़ी से जाते थे, हमारी गाड़ी को ट्रांसपोर्ट से किराए पर लेते थे, और अब लोग मोटरसाइकिल पर आ गए हैं, क्योंकि बढ़ती महंगाई और पेट्रोल के दामों को बढ़ते देखते हुए महंगाई भी बढ़ रही है इस वजह से। और यहाँ हमारे साथ यहाँ एक और ग्राहक मौजूद हैं, आइए हम इनसे बात करते हैं और जानते हैं कि इन पर क्या फ़र्क पड़ता है। सर, क्या नाम है आपका? मेरा नाम उदयवीर सिंह है। सर, जिस तरह पेट्रोल और डीजल के दाम लगातार बढ़ते जा रहे हैं, इस पर आपका क्या कहना है, क्या आप पर फ़र्क पड़ता है इस पर? फ़र्क तो पड़ ही रहा है, और किस पर पड़ेगा, आम जनता ही पर पड़ रहा है। डीजल से बहुत ज़्यादा फ़र्क पड़ रहा है, भाड़े तो है, बात है, सब चीज़ें बढ़ रही है, भाड़े आड़े हैं, किराए बढ़ रहे हैं, सारी चीज़ डीजल तो ही है। जिस तरह पहले आप पहले की तरह ही आप अपनी बाइक को चला रहे हैं, क्योंकि क्या कुछ कमी आई है? कमी आ रही है, कम चल रही है। तो इन्होंने हमें बताया, यहाँ एक और हमारे साथ ग्राहक मौजूद थे, इन्होंने हमें बताया कि पहले ये बाइक का इस्तेमाल अधिक से अधिक करते थे, और अब इन्होंने बाइक का इस्तेमाल भी कम कर दिया है, क्योंकि पेट्रोल का भी रेट लगातार बढ़ रहा है, महंगाई की मार की वजह से जनता त्राहि त्राहि मचा रही है, परेशान है, और ये लगातार बराबर बढ़ते हुए देश के पेट्रोल और डीजल के दामों से जनता काफ़ी परेशान है। आगरा से ममता भारद्वाज। और इसी के साथ उत्तर प्रदेश की खबरों में फिलहाल इतना ही, देश दुनिया की बाकी की तमाम खबरों के लिए बने रहिए प्राइम टीवी के साथ। नमस्कार।